चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चटपटी मूली की चटनी। आप इसे पूरी के साथ, कचौरी के साथ, समोसे के साथ या फिर दाल चावल के साथ खाइए। खाने में मजा आ जाती है और ये हेल्दी भी होती है। चलिए इसे हम झटपट बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक बड़ी मूली। मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसके पत्तों को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। और हमने दो हरी मिर्च ली है। तो चलिए इसे पीसने के लिए हम मिक्सर डाल लेते हैं। इसके अंदर मूली को डालेंगे, इनके पत्तों को भी डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आधा चम्मच हमने नमक लिया है, दो हरी मिर्च लिए हमने, इसे छोटे पीसेस में करके डाल देंगे। तो पांच से छह कलियां हम लहसुन के डालेंगे। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है, आप नहीं खाते हैं, तो उसे मत डालिए। थोड़ी सी हरी धनिया हमने लिया है काट करके, इसे डाल देंगे। और हमने लिया है दो डंडी करी पत्ता, इसे भी डाल देंगे। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे और ये हेल्दी भी होता है। और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। हमने एक छोटी कटोरी, करीब चार बड़े चम्मच पानी लिया है, इसे डाल देंगे। और इसके साथ डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो हमने नींबू को काट लिया है अभी इससे, और इसका रस डाल देंगे। तो चलिए लगाते हैं जार का ढक्कन और चटनी को पीस लेते हैं। तो चटनी हमारी पीस कर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम बोल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी का कितना अच्छा सा ग्रीन कलर आया है, और खाने में बहुत टेस्टी होती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। इसे हम लाल मिर्च से गार्निश कर देते हैं। तो बस आप इसे झटपट बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी मूली की चटनी कैसी बनी।